हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी, और यहाँ पे मैंने रेहू मच्छी लिया है, आप देख सकते हैं। एकदम फ्रेश मच्छी होना चाहिए और इस तरह से कटिंग होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने 2 चम्मच गोल मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज और थोड़ी सी धनिया पत्ती और लहसुन लिया है। लहसुन की मात्रा जो ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने पीला राई लिया है और 1.5 चम्मच जीरा। और मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और 1 मीडियम साइज का टमाटर। और उसके बाद मैंने इमली लिया है जो मैंने गर्म पानी में भिंगो कर रखा है, और करी पत्ता, और 2 मैंने दालचीनी लिया है, और 2 चक्रफूल, 1 मैंने बड़ी इलायची और लौंग लिया है। यहाँ पर हमने जो भी मसाला रखा था सब इसे बारी बारी इसमें जार में रखेंगे पीसने के लिए। तो मैंने मसाला जो रखा था वो सभी का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब एक बर्तन में हम मछली को रखेंगे। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, ज़्यादा बेसन हमें ऐड नहीं करना है। और इसमें 1/2 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर और मैं जो मसाला जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है इसमें, और नमक हम स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सूखा जैसा है, तो थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छे तरह से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है, तेल इसमें ऐड किया है और गर्म होने देंगे। तो गर्म होने के बाद ही हम इसमें मछली को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल जो है एकदम गर्म हो गया, तभी मैंने मछली को इसमें डाला है फ्राई करने के लिए। और मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। मछली के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बढ़ता है उससे। और सभी मच्छी को इस तरह से हम पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमें मच्छी को फ्राई करना है, तभी अच्छा से फ्राई होगा वो। बहुत सारे लोग मच्छी खाने से डरते हैं कांटे से, कि कांटा फंस जाएगा, लेकिन इस तरह से मच्छी फ्राई करके बनाएंगे तो कांटा बहुत आसानी से निकल जाता है और नुकसान भी नहीं होगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। और मेरे घर में छोटे बच्चे भी मछली खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत आसानी से निकाल कर खाते अगर ये फ्राई करके बनाओ तो। तो ये फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। जो हमने मछली फ्राई किया था उसी तेल में हमें मसाला को फ्राई करना है, भुनना है। सबसे पहले मैंने इसमें राई डाला है, राई जो है मैंने पीला वाला ही यूज किया है। और उसके बाद करी पत्ता भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड इसमें करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमें मसाला को अच्छी तरह से भुनना है। Thank you.
और मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है थोड़ी सी, और मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मैंने एक चम्मच मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है, और इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, और टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक हम इसमें ऐड करेंगे। हमने जो इमली फूलने के लिए डाला था उसका पल्प निकाल कर मैंने उसका पानी डाला है, बस उस इमली का पानी डालना है। और इसमें हम फिश करी मसाला ऐड करेंगे। फिश करी मसाला ऑप्शनल है, अपने ही डालेंगे भी तो चलेगा, क्योंकि इसमें मसाला ही बहुत अलग तरीके से मैंने बनाया है, एकदम साउथ इंडियन में जिस तरह से मछली बनाते हैं वैसा ही है। और मेरे घर में बस ऐसे ही मछली बनाया जाता है, और सभी को बहुत पसंद है। और इसे मैं देख लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं मसाला जो है एकदम रेडी हो गया है। अगर मसाला आप ऐसे करके फ्राई करते रहेंगे तो उसका जितना भी टेस्ट है निकल जाता है, इसलिए मसाला जो है मीडियम फ्लेम पे करके उसे ढक देना है। मसाला भुन भी जाएगा और उसका कच्चापन भी नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं तेल एकदम छूट गया है, और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं उबलने लगा है, और इसमें हम मछली ऐड करेंगे। जब उबलने लगेगा तभी हमें मछली को इसमें ऐड करना है। और 2 मिनट तक इसे रहने देना है मीडियम फ्लेम पे। तो 2 मिनट हो गया है गैस यहाँ पे बंद करते, और देख लेते हैं मछली करी। अगर आप इस तरह से मछली बनाएंगे फ्राई करके तो बहुत ही आसानी से काटा जो है निकल जाता है, आपको डर भी नहीं रहेगा, आप आराम से खा भी सकते। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए ये मछली बनाने के लिए। तो आप देख सकते और मछली थोड़ा भी टूटा फूटा नहीं है, एकदम जैसा हमने फ्राई किया था वैसा ही है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक से ज़रूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।